की उम्मीदों को झटका देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती नहीं की है। इस बार रेपो रेट में 0.25% कटौती की उम्मीद की जा रही थी। वहीं आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.1% से घटाकर 5% कर दिया है। आरबीआई का यह अनुमान आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ा झटका है। आपको बताते चले कि जीडीपी वृद्धि दर जुलाई सितंबर तिमाही में 4.5% रही, जो कि 6 साल का न्यूनतम स्तर है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में यह 5% थी। आरबीआई के फैसले के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली।